हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर टिक्का मसाला बनाने जा रहे हैं। यस, मुंह में पानी आ गया ना नाम सुनते ही, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जनरली हमारी फेवरेट डिश रहती है, और दूसरी बात माइंड में ये आती है कि यार घर पे ऐसी क्यों नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, ये गलत फहमी है हमारी, घर पे भी हम ऐसी ही और इनफैक्ट उससे अच्छी बना सकते हैं। तो आप उसके लिए मेरी ये पूरी रेसिपी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बड़े बच्चों सबको अच्छी लगने वाली है ये रेसिपी। तो इसके लिए जो सामग्री हमने ली है वो कुछ इस प्रकार है। दही लिया है 1/4 कप, आधा चम्मच जितनी मैंने लाल मिर्ची पाउडर ली है, 1/4 चम्मच जितना मैंने हल्दी पाउडर लिया है, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून, और ये कसूरी मेथी ली हमने 1/2 टेबल स्पून, ये 300 ग्राम जितना मैंने पनीर के क्यूब्स लिए हैं, और ये नींबू लिया है मैंने 1/2। तो फ्रेंड्स, हम एक बोल लेंगे सबसे पहले, उसमें दही डालेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये गरम मसाला, तो ये कसूरी मेथी, इसका मैंने पाउडर बनाया है, ये सारा एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें नींबू एकदम अच्छे से निचोड़ देंगे, और ये मैंने बेसन लिया है 2 टेबलस्पून जितना, और अगर थोड़ा आप इसको थिक बनाना चाहते हो तो 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हो। और ये मैंने पनीर क्यूब्स लिए, इसको एकदम अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी और इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। तो ये हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें कुछ वेजेस डाल देंगे। ये मैंने एक टमाटर लिया है, उसको काट लिया, उसके अंदर के बीज निकाल दिए मैंने, और एक अनियन है, इसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया है, और शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने बड़ी बड़ी टुकड़ों में काट दिया है। इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मैरिनेट के लिए रख लेंगे 15 से 20 मिनट तक फ्रीज में। अब एक पैन में जो कि ऑलरेडी गरम है, उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड किया है, और ये जब गरम हो जाए ऑयल, हम इसमें जीरा डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना। ये हमने खड़े मसाले लिए, जिसमें कि दालचीनी, इलायची और 2 लौंग है, और ये जिंजर गार्लिक, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 कप जितना। इसको एकदम अच्छे से 2 मिनट तक पकाइए मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम ऑनियन का पेस्ट डालेंगे, इसमें मैंने 2 ऑनियंस लिए हैं, उसको अच्छे से पेस्ट बना दिया है मिक्सी में। अब आप इसको एकदम अच्छे से चला लीजिए, 2 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए, ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। इसमें हम नमक डाल देंगे। ये मैंने टमाटो की प्योरी बनाई है, 3 से 4 मैंने बड़े टमाटर लिए थे, और उसको अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको 4 से 5 मिनट तक हम लोग पकने देंगे। तब तक हम यहाँ पर देखें, ये मैंने कुछ स्क्यूअर्स लिए हैं या फिर लंबे टूथपिक्स लिए, जिसको मैंने 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखा था। अब मैं हर स्क्यूअर में एक एक वेजी और पनीर के टुकड़े डालूंगी। देखिए, मैंने ऑनियन डाल दिया, उसके बाद पनीर डालूंगी, फिर कैप्सिकम, टमाटो, इस तरह से मैं उसकी पूरी लेयर बना दूंगी, तैयार कर लूंगी। ये देखिए, एकदम अच्छे से तैयार हो गया। इसी तरह से मैं और भी दूसरे स्क्वायर्स में सारी वेजीज डाल दूंगी मैरिनेटेड। तो ये होने के बाद हम फिर से अपनी ग्रेवी की तरफ आते हैं, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसका कलर कितना सुंदर आ गया है, और ऑलमोस्ट उसका पानी
बर्न हो चुका है। इसमें मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है आधा टेबल स्पून जितना, ये हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने भुना जीरा पाउडर लिया है और धनिया पाउडर लिया है आधा आधा टेबल स्पून, और ये कसूरी मेथी पाउडर है आधा टेबल स्पून। इन सबको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी और इसको एकदम अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी। 2 मिनट बाद आप देखिए इसका कलर मस्त आ चुका है। अब हम इसमें काजू का पेस्ट बनाएंगे। 1/4 कप जितना मैंने काजू का पेस्ट बनाया है, जिसके लिए मैंने 6 से 7 काजू लिए थे, और ये इसको भी हम लोग 5 मिनट तक और पकने देंगे। तब तक हम इसको रोस्ट कर देते हैं, हमारे जो मैरिनेटेड पनीर है उसको रोस्ट कर देते हैं। उसके लिए मैंने ये पैन लिया है, प्री हीटेड पैन है, जिस पर मैंने ग्रीस कर दिया है घी से। आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब हम ये सारे अपने पनीर स्क्यूअर्स है वो इसके ऊपर रख देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको एकदम अच्छे से पका लेंगे, हर एक एक मिनट बाद आप इसको पलटते रहिए। देखिए क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे है तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटना भी जरूरी है। इसको मैं ऊपर से भी ग्रीस कर दूंगी एकदम अच्छे से। ऑयल या घी आप कोई भी यूज कर सकते हो इसके लिए। हाँ देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ये तो मैं आपको बार बार याद दिलाती ही रहूंगी। इस प्रोसेस को भी कम से कम 4 से 5 मिनट हमको लगते ही है, सो आपको फ्रीक्वेंटली इसको टर्न करना रहता है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन और एकदम अच्छे से हो चुके हैं, चारों तरफ से पक चुके हैं, और देखिए हमारी ग्रेवी भी 5 मिनट बाद एकदम अच्छी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें एकदम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। ये मैंने 1/4 कप जितनी ऐड की है, आप चाहो तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हो, या फिर बाहर मार्केट में अवेलेबल है क्रीम मिल जाएगी आपको, वो भी ऐड कर सकते हो। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कीजिए, और ये पानी डाला मैंने 1 ग्लास जितना। आप चाहो तो ग्रेवी कितनी गाढ़ी रखनी है उसके हिसाब से और पानी ऐड कर सकते हो, आधा ग्लास जितना और पानी आप ऐड कर सकते हो इसमें, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी थिक होनी भी चाहिए ना। अब हम इसमें हमारा पनीर टिक्का जो तैयार हो चुका है उसको ऐड करेंगे, और ये बहुत सॉफ्ट है इसलिए आपको इसको बहुत ही स्लोली और आराम से इसको मिक्स करना है उसमें। बहुत ही ध्यान रखिएगा इसको चलाते वक्त, नहीं तो पनीर सॉफ्ट है तो उसके क्रम्स भी बन सकते हैं, या फिर उसके पीसेस बन जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते पनीर टिक्का मसाला हालांकि हम लोग बनाने जा रहे हैं इसलिए। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ये मैंने 1/4 टेबल स्पून जितना लिया है, और ये कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, इसको अच्छे से धो के काट के डाल दीजिए। अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए 2 मिनट बाद पूरे मसाले एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कितना सुंदर कलर आ गया है, और आपको ये जरूर पसंद आएगी सब्जी, इसलिए आप जरूर बना के देखिएगा इसको, टेस्ट कीजिएगा इसको। सो अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर कलर आया है, और अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।